हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी भी तभी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ये चेक कर सकते हो कि किस इंस्टीट्यूट में, किस कॉलेज में, किस ट्रेड के लिए यानी कि किस ग्रुप के लिए कितनी सीट बची है। जैसे आप मैकेनिकल से करना चाहते हो, तो अगर आपके मन में कोई कॉलेज है, आप चेक करना चाहते हो कि उस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, तो आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना। वहाँ पे आपको टाइप करना है GEECUP.NIC.IN, यानी कि GEECUP.NIC.IN आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद आप इसकी ऑफिशियल साइट पर चले आएंगे, आपको क्लिक करके यहाँ पे आना है। उसके बाद यहाँ पे आप आओगे, आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा इंस्टीट्यूट। जैसे आप इस साइट पर नीचे आओगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंस्टीट्यूट वाइज अवेलेबल सीट फॉर काउंसलिंग 2020। आपको इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद जो PDF ओपन होगा उसमें मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। आपको क्लियर होगा क्या करना है ना, आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पे चले आना है GEECUP.NIC.IN पर, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे चले आओगे तो आपको यहाँ पे आके इंस्टीट्यूट वाइज अवेलेबल सीट फॉर काउंसलिंग पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको एक PDF ओपन होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको वहाँ पर आप चेक कर सकते हो किस कॉलेज में, किस, ठीक है, किस ग्रुप के लिए, किस, जैसे आपको मैकेनिकल से करना है तो उसमें कितनी सीटें अवेलेबल है, वो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। इस तरीके का PDF ओपन होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये PDF देखो, यहाँ पे जैसे जनता पॉलिटेक्निक, ठीक है, जहांगीराबाद में जो है, बुलंदशहर में एडेड कॉलेज है। इसमें लिखा है देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके 75 नंबर ऑफ सीट है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपके 75 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपके 75 हैं। इस तरीके से DN पॉलिटेक्निक मेरठ में आपके सिविल इंजीनियरिंग के लिए 75 कॉलेज हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 75 सीटें हैं। इस तरीके से आप जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो आपके ज़िले के हों या फिर आप जिस कॉलेज का नाम जानते हो, आप इसमें सर्च कर सकते हो। ऊपर से नीचे ये 244 पेज का PDF है और इसमें एक आसान तरीका है, यहाँ पे ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो उस कॉलेज का नाम, डायरेक्ट आप उस पर सर्च करके पहुँच सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, चंदौली पॉलिटेक्निक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये चंदौली पॉलिटेक्निक जो है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो सिविल में 37 सीटें हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस ग्रुप के लिए हैं। यहाँ पे लिखा है देखो हांडिया पॉलिटेक्निक जो है प्रयागराज में, देखो सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो है 75 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी 75 सीटें हैं। इस तरीके से आप सारी सीटों को चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज फिल कर सकते हो काउंसलिंग में, ठीक है गाइस। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।